सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। हमारे खास यूट्यूब चैनल शत्रु ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आज का वीडियो रहेगा झांसी की रानी का, जो कि उनकी पैदाइश कहां पे हुई थी, वो पैदा कहां पे हुई थी, करीब ये बनारस घाट के जस्ट बगल में हुआ था, पूरा आपको वीडियो दिखाऊँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, अस्सी घाट से कुछ ही दूरी पे हुआ था। जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान। ये टाइमिंग लिखा हुआ है कि आप यहाँ से कितने बजे आ सकते हैं। तो प्रवेश करते टाइम आपको जूता, अगर स्लीपर पहने हैं स्लीपर, तो आपको उतार के प्रवेश करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और पूरा दिखाते हैं आपको इसका दृश्य कैसा है। ये रानी लक्ष्मीबाई का पार्क पूरा आप भव्य तरीके से देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चित्रकारी की गई है, पत्थरों से, कुछ तांबों से। आगे देखेंगे तो आगे और अच्छी अच्छी मिलेंगी। ये देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं आप, ये बैठने के लिए बना हुआ है। नीचे ये देख सकते हैं, और इस पर पत्तियों, फूलों, कुल बहुत चीज़ का चित्रकारी किया गया है। और आगे दिखाते हैं, ये देखिए इधर गमला रखा हुआ है और इधर बैठने के लिए रखा हुआ है। तो अगर आप आते हैं, अगर बैठना है तो आप यहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं। पेड़ पौधे अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। और आगे दिखाते हैं, ये इधर पानी भरा हुआ है, अगर किसी को प्यास लगती है, चिड़िया चाहे किसी को भी, तो यहाँ से पानी पीते हैं आराम से अपने। ये आप पढ़ सकते हैं जो झांसी की रानी के बारे में लिखा हुआ इतिहास, आप पूरा देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1897 क्रांति का आगाज। देख सकते हैं आप, रानी लक्ष्मीबाई तलवार सब कुछ अपने योद्धाओं के साथ चल रही है, पूरा अच्छे चित्रकारी किया गया है। और आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेज को खत का जवाब, पूरा ये खत पढ़ा जा रहा है और इसका जवाब दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये अंग्रेज हैं, बंदूक लिए हुए हैं, पूरा लग रहा है कि युद्ध होगा, पूरा देख सकते हैं आप। और ऊपर भी पूरा चित्रकारी किया गया है, ये देखिए पूरा घोड़ा, पूरा हथियार, भाला, जो भी साथ में रहता था लेके चलते थे ये, मतलब रानी लक्ष्मीबाई का बचपन से लेके पूरा यहाँ पे चित्रकारी किया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा है, अंग्रेज़ों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना। इसके नीचे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, बहादुर शाह जफरा द्वारा अंग्रेज के खत का जवाब, खत का जवाब दे रही थी ये शोक में बैठी हैं रानी लक्ष्मीबाई। और ऊपर देख सकते हैं, दामोदर राव को गोद देती रानी लक्ष्मीबाई। ये देख सकते हैं गंगाधर राव को देशवास, मतलब ये शोक में बैठी हुई हैं रानी लक्ष्मीबाई। और ऊपर आपको बताया ही हूँ, और इधर देख सकते हैं आप, ये मेन जगह है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि ये हिस्ट्री भी देख सकते हैं, क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, इनके हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। बहुत ही अच्छे से पूरा लिखा हुआ है उनके बारे में। और आप पूरा देख सकते हैं घोड़ा, यहाँ अगर रात में आते हैं आप तो लाइट बहुत ही अच्छे तरीके से लगी रहती है। देख सकते हैं आप, इधर लाइट लगा हुआ है और पेड़ पौधे भी बहुत ही लगे हुए हैं कि लोग आएंगे, पानी पीने का भी व्यवस्था है यहाँ पर। आप देख सकते हैं स्मृति स्थल रानी लक्ष्मीबाई, ये काशी गंगा के इस पावन तट पर 19 नवंबर 1828 को जन्मी रानी लक्ष्मीबाई। काशी की कन्या देख सकते हैं आप, इधर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं मोटी अक्षरों में, काशी की कन्या, इधर देख सकते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वित्यंतन। इधर देख सकते हैं गंगा घाट के निकट स्थित इसी स्थल पे बलवंत राव मनु के दादा द्वारा निर्मित एक घर के
हमारे पीछे इधर देख सकते हैं, इधर पिताश्री हैं, इन सबका चित्रण किया गया है। मनु झांसी की रानी गंगाधर राव की विवाह ऊपर देख सकते हैं, इधर विवाह के लिए किया जा रहा है। और इधर गंगा राव का रानी लक्ष्मीबाई देख सकते हैं, गंगाधर राव इधर लिखा हुआ है, गंगाधर राव व रानी लक्ष्मीबाई ये दोनों लोग हैं, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर। और इधर देख सकते हैं ये क्या है, बाजीराव पेशरवा की देवघर रानी में अनुमनु का पालन पोषण, तलवारबाजी करती मनु। देख सकते हैं इधर तलवारबाजी का चित्रण किया गया है, आप पीछे हमारे देख सकते हैं इधर तलवार उलवार लेके, ये देखिए ये झांसी की रानी जी हैं बचपन में, ये तलवार उलवार लेके ये सब कुछ अपना दिखा रही हैं दमखम। और इधर देख सकते हैं आप, इधर भी ऊपर भी देखें, व्यापारिक नौकों द्वारा मनु पिता मोरोपंत का विरुठ के लिए प्रस्थान, इधर देख सकते हैं नाव से, इधर देखिए नाव से, नाव से प्रस्थान करने के लिए। लक्ष्मीबाई घोड़े बैठी हैं और अपने पीछे बांध के पूरा जाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं कि हाँ हमें युद्ध करना है उस पे। तो वीडियो कैसा लगे दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।